सबसे पहले कांग्रेचुलेशन क्रैश को लेकर, बहुत ही ऑसम ट्रेलर है। सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगा कि जिंदगी एक पहेली है, हम सभी जानते हैं, कभी तो ये हंसाती है, कभी रुलाती है। ये टैगलाइन है या ये जो लाइन है, इसमें कितना बिलीव करते हैं रोहन जी? एक्चुअली ज़िंदगी है ही ऐसी, पहेली है, कुछ पता नहीं कि कल को क्या हो जाएगा। और इस केस में तो रहीम को पता भी नहीं कि पहले भी इसके साथ क्या हुआ है, इसको कोई आइडिया नहीं है कि इसके इसका एक्सीडेंट हुआ था, ये क्रैश हुआ था इसके साथ, इसको कुछ पता नहीं है, क्योंकि काफ़ी छोटा था ये और इसकी जो बहन है आलिया। हमारे जो बड़े भाई बहन हैं उनको पता था, तो वो हमें ढूंढ रहे हैं और अननोइंगली हम लोग टकरा रहे हैं एक दूसरे के साथ, और सब लोगों को डिफरेंट डिफरेंट लोगों ने अडॉप्ट किया है, तो किसी को पता नहीं हम भाई बहन हैं। और बहुत अच्छी तब भी एक बॉन्डिंग है, कुछ एक अनसीन बॉन्ड है जो पता नहीं है, मतलब कुछ है जो हमें बांध के रखता है, और ना चाहते हुए हम टकरा जाते हैं, और कुछ ना कुछ केमिस्ट्री दिख रही है वो, तो वो भाई बहन की जो केमिस्ट्री होती है, आई थिंक भाई बहन पे ज़्यादा शोज़ बनते नहीं हैं वेब में तो खास करके, एंड इट्स अ वेरी क्लीन शो, फैमिली शो, और ऑडियंस को डेफिनेटली बहुत मज़ा आने वाला है। 14 फरवरी को रिलीज़ हो रहा है, तो वैलेंटाइंस डे है, तो वैलेंटाइंस डे ज़रूरी नहीं कि लवर्स का ही हो, भाई बहन का भी हो सकता है, तो वही उसी को इसलिए आई थिंक वो लॉन्च हो रहा है 14 फरवरी को। एंड माई कैरेक्टर इज़ वेरी वेरी डिफरेंट, मैंने आज से पहले ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया ही नहीं है, तो मुझे वेब सीरीज़ इसलिए बहुत ज़्यादा पसंद आने लगी है, क्योंकि हम जब नॉर्मली देखते हैं टीवी में खास करके, कास्टिंग होती है कि जैसे आप दिखते हो, जैसे कि मुझे हमेशा कि प्रिंस का रोल या बहुत गुड लुकिंग कैरेक्टर्स या वैसा मुझे हमेशा मिलता है कैरेक्टर, बट इसके अंदर क्या है कि मुझ पर प्रॉपर काम किया गया है। आई एम प्लेइंग गली बॉय काइंड ऑफ अ कैरेक्टर, और पूरा मेकअप डल किया, बहुत चीज़ें ऐसे की कि नॉर्मल लगे कि हाँ ये गली बॉय में रहता है। डांस सीखा मैंने, 2-3 महीने डांस सीखा, हिप हॉप सीखा, क्योंकि ये डांसर है, डांसर बनना चाहता है ये, और मेरी वर्कशॉप्स हुई, प्रीति मैम ने हमारी वर्कशॉप्स ली, बहुत अच्छी ट्रेनर है वो, कोच, एक्टिंग कोच, US से सीख के आई है वो, और उन्होंने बहुत अच्छा हमें सिखाया। तो जो मेरा कैरेक्टर है पूरा गली बॉय कैरेक्टर है, जो स्लैंग्स यूज़ करता है, ये नॉर्मल बात नहीं करता, ये ऐसे बात करता है कि मैं तो यही करेगा, मेरे को यही करने का है, जैसे बिल्कुल सीखा मैंने प्रॉपर, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा मेहनत की। वेब सीरीज़ में बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाता है हमें प्रिपेयर करने के लिए, और मैं स्पेशली जाता था मैं वहाँ पर, जैसे जो मेरे ड्राइवर है, जो मेरे ड्राइवर है वो ऐसी बात करता है कि मेरे को यही करने का है ये वो, तो मैंने उनके साथ उनको प्रॉपर, मैं पहले लॉकडाउन में उनको वो ड्यूटी पे नहीं आते थे, बट मैंने जैसे मुझे शो मिला मैंने उनको 1-2 महीने पहले बुला लिया कि नहीं, हम बात करते थे, हम 1 घंटा ऐसे निकल जाते थे ड्राइव पे ड्राइवर के साथ, और मैं उससे बात करता रहता था, तो बहुत कुछ सीखने को मिला। तो मैंने काफ़ी सारी फिल्म्स भी देखी जिसमें ऐसी लैंग्वेज यूज़ होती है। उसके अलावा भी मैंने अपने कैरेक्टर पर लुक्स पर भी काम किया, क्योंकि ये वही 18-19 साल का कैरेक्टर है ये, तो मैंने अपनी पुरानी वेब सीरीज़ के लिए गेन किया हुआ था काफ़ी मसल, तो इसके लिए मैंने प्रॉपर, क्योंकि डांसर है, लीन बॉडी चाहिए थी, तो 7-8 kgs कम किया, क्योंकि अनुष्का के साथ भी मुझे उसका ट्विन भाई बनना था, अनुष्का सेन, एंड शी लुक्स वेरी यंग, शी 17-18 ओनली, तो अब परफेक्ट लग रहा है, पूरे चारों का दिख रहा है, फ्लेवर्स निकल के आ रहे चारों भाई बहन के, और भाई बहन की स्टोरी है, और अभी फर्स्ट सीज़न शूट हुआ है, अभी टोटल 3 सीजन्स है, और इसके बाद अभी जैसे ये रिलीज़ हो जाएगा उसके बाद नया सीज़न हम शूटिंग शुरू कर देंगे। यस, लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। जी, गाड़ी तो मैं बहुत सालों से चलाते आ रहा हूँ एक्चुअली, वो तो कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं आई, बट प्रोफेशनली ये ड्राइवर है, क्योंकि इसको पैसे कमाने हैं, इसके डैड भी ड्राइवर रहते हैं शो के अंदर, तो वो चाहते हैं कि भाई फिक्स इनकम आ रही है उनके लिए, उनकी सोच वही उतनी ही है, तो मैं डांसर बनना चाहता हूँ, कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, कुछ दिखाना चाहता हूँ बन के, जैसे कि आपने प्रोमो में भी देखा होगा, तो इसका थॉट प्रोसेस अलग है, तो इसलिए वो सबसे बाकी के जो इसके फ्रेंड्स हैं उनसे हट के सोचता है और आगे बढ़ना चाहता है और लाइफ में कुछ करेगा, ऐसा लोगों को, ऑडियंस को लग रहा है। डायरेक्टर की अगर मैं बात करूँ, कुशल जी हैं, कुशल सर के बारे में जितना जिनकी जितनी उनकी प्रेस करूँ उतने कम हैं, उन्होंने बहुत सारा काम किया है, और मतलब ड्रीम डायरेक्टर होते ना वैसे है वो एकदम, बहुत मज़ा आया उनसे काम करके, मतलब उन्होंने एक बार ही मैंने उनको चलाते नहीं देखा 1-1.5-2 महीने में, कभी उन्होंने चलाया नहीं, और हम ऐसा नहीं है कि सब चीज़ें ऑब्वियसली आप शूट कर रहे होते हो और लोकेशन आउटडोर होता है तो आप बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगते हो नॉर्मली, जब मैंने डायरेक्टर्स के साथ काम किया, बट इनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं था, इन्होंने आराम आराम से काम करवाया, अपने एक्टर्स को बहुत कंफर्टेबल फील करवाया, और रिजल्ट तो आप देख ही लेंगे जैसे कि हुआ है, और कोई वो नहीं, और ऐसा भी नहीं कि जैसे सर मैं ऐसा कर लूँ 1 more take, हाँ लो ना जितना करना करो जैसे करना करो, बहुत फ्रीडम देते थे, और फिर उनको लगता था कि हाँ जहाँ पे कुछ ऊपर नीचे हुआ है तो वो फिर बताते थे, पहले अपने खुद से हमें करने देते थे, तो उनकी तो मतलब जितनी प्रशंसा करूँ उतनी कम है। मेरे फेवरेट डायरेक्टर आज 10-12 साल के करियर में, तो आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम,
और डेफिनेटली मैं उनके साथ आगे भी काम करना चाहूँगा। मैंने सुना कि कोविड के जस्ट बाद आप लोगों ने ये शूटिंग स्टार्ट कर दी थी, तो जी घर पे बैठे रहने के बाद से वो मतलब जितना भी जी सब कुछ टैलेंट था वो इसमें उभर कर आने वाला है, ऐसा मैंने कुछ सुना। ऑब्वियसली फॉर एन एक्टर बहुत ज़रूरी होता है काम करते रहना, बट कोविड में इतना लंबा ब्रेक आ गया, तो 7-8 महीने जब हम घर बैठे थे तो उसमें यही सोचते थे कि यार जब नेक्स्ट प्रोजेक्ट मिलेगा ना तो उसमें तो ये करना है, तो वो सब 7-8 महीने एक्चुअली उसमें ही निकल गए। अपने आप को प्रिपेयर किया, डांस सीखा मैंने जो कि मुझे इस रोल के लिए भी काम आया, फिर अपने आप को बहुत सारी फिल्में देखी मैंने, बहुत सारी फिल्में देखी जो मैंने कभी पहले नहीं देखता था, नेटफ्लिक्स वगैरह पर वेब सीरीज़ देखी, तो बहुत कुछ सीखा उन 7-8 महीनों में, तो वो सारी नॉलेज आई थिंक इसमें निकल के आई और वो सबको दिखेगी, डेफिनेटली परफॉर्मेंस में भी दिखेगी। मेरी भी जो फैमिली है जॉइंट फैमिली है, और हम भी 4 भाई बहन थे, मेरी एक रियल सिस्टर और 2 कज़िन्स हैं, तो हम एक ही घर में रहते थे, तो मेरा काफ़ी सिमिलर मतलब वैसी अटैचमेंट है, तो मैं रिलेट कर पाता हूँ कि भाई बहन की स्टोरी कैसी होती है, क्योंकि मैं जॉइंट फैमिली में रहा हूँ, तो बहुत सारी यादें होती हैं, मैं छोटा था सबसे, इसमें भी सबसे छोटा ही हूँ मतलब, तो काफ़ी चीज़ें उस तरह से रिलेट कर सकता हूँ, तो वही सब चीज़ें हैं, हम बहुत मस्ती करते थे, मतलब इतनी चीज़ें हैं कि मैं बताने बैठूँगा तो मतलब बहुत 2-4-5 दिन निकल जाएंगे, बट मसूरी जब हम जाया करते थे विंटर्स में, सॉरी समर ब्रेक में जाया करते थे मसूरी, तो सारे कज़न्स मिल के जाते थे, तो हमें ऐसे पॉकेट मनी मिलती थी कि इतने पैसे, तो हम वीडियो गेम्स खेलते थे, तो वो बहुत सारी मेमोरीज़ है जो मैं मिस करता हूँ अभी बड़े होने के बाद। जी वैलेंटाइन डे नॉर्मली भी सिर्फ लवर्स का नहीं रहता है, आपके लव्ड वंस का रहता है, तो भाई बहन के साथ भी हम सेलिब्रेट कर सकते हैं वैलेंटाइन, अपने पेरेंट्स के साथ भी कर सकते हैं, तो आई थिंक ये एक फैमिली शो है, इसमें कोई ऐसा बोल्ड कंटेंट नहीं है, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, तो आई थिंक सब देख सकते हैं, तो ये वेब सीरीज़ मैं ऐसी करना चाह रहा था, क्योंकि लास्ट वाली जो मैंने की थी उसमें थोड़ा सा बोल्ड मैंने प्ले किया था, क्योंकि वो भी कुछ डिफरेंट मैंने किया था, बट अभी इस बार फिर से कुछ डिफरेंट किया है, तो दिस इज़ द थिंग आई लव अबाउट वेब सीरीज़ कि आपको हमेशा कुछ हटके करने को मिलता है, और लोगों ने बहुत ज़्यादा पिछले में भी मुझे काफ़ी प्रेस किया था परफॉर्मेंस को लेकर, तो मैंने इसलिए मैं सोचा था कि इस बार कुछ डिफरेंट करूँगा, तो ये जैसे मैं करना चाहता था एकदम क्लीन शो है। जी जी फिलहाल तो मैंने एक फिल्म की थी खली बली, उसका नाम था, धर्मेंद्र जी के साथ की थी, वो रिलीज़ होने वाली थी कि ये पैंडेमिक आ गया, तो आई नो अब कहाँ पे कब रिलीज़ होगी, बट मोस्टली थिएटर्स में रिलीज़ करेंगे वो लोग बहुत जल्दी। उसके बाद आगे का तो यही है कि 2nd-3rd सीज़न बनेगा इसका, हमारी ये बात चल रही है ऑलरेडी, पहले 3 सीजन्स का ये प्रोजेक्ट था क्रैश, तो वो और गाने मेरे 2 आने वाले हैं, म्यूज़िक वीडियो एक अवनीत कौर के साथ आने वाले, कांची के साथ आने वाले, तो यस लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। इतना प्यार करते हैं सब लोग और सोशल मीडिया पे इतने सारे मैसेजेस भेजते रहते हैं, तो उन्हीं की वजह से मन करता है कि आप आगे काम करते रहो हमेशा, और कुछ अच्छा करना है उनको, और इतना प्यार करते तो उनको मतलब ऐसा नहीं कि बस मतलब मेहनत करने का मन करता है, तो उनके लिए ही ये सब कुछ है, वही प्यार देते तो हम लोग कर पाते हैं, तो प्लीज़ आप हमें ऐसे ही प्यार देते रहिए, ऐसे ही प्लीज़ देखिएगा ये शो जो 14 फरवरी को रिलीज़ हो रहा है क्रैश, और आई एम श्योर मैं आपको उसमें निराश नहीं करूँगा। या थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।